दोस्तों चलिए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि उसके बेनिफिट्स क्या है पूरे इंडिया को, और दोस्तों क्यों है अपोजिशन पार्टीज जो इसके खिलाफ अगेंस्ट बिल। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज वीडियो में। तो मेरा नाम है वान और मैं 9 साल का। तो पहली चीज जानते हैं जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन क्या। तो दोस्तों जो है जैसे कि हमेशा जो है अलग अलग जो है मतलब 5 साल के टर्म में जो है दोस्तों मतलब उसी साल होता है, पर दोस्तों जो है मतलब अलग अलग दिन अलग अलग महीने में होता है, तो जिससे वजह से जो बहुत ज़्यादा जो है अपना पैसा वेस्ट जाता है। तो जो है पहले तो मतलब वन नेशन वन इलेक्शन मतलब जैसे पूरी स्टेट सारे स्टेट का इलेक्शंस जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उसका इलेक्शन एक ही दिन में होगा, और जो है उसके साथ साथ इंक्लूड है जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो भी उनके साथ ही होगा, मतलब एक बार ही सारा जो है हो जाए। तो अभी चलिए जानते हैं इसके 3 बेनिफिट्स क्या है। तो पहला तो बेनिफिट है दोस्तों कि जो भी मतलब बीच में इलेक्शन के बीच में दोस्तों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का हुआ तो दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो है डेवलपमेंट बंद करनी पड़ती है पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर, और स्टेट्स में जो है स्टेट की डेवलपमेंट बंद हो जाती है इलेक्शंस के टाइम। तो इस वजह से जो है क्या हुआ हमेशा मतलब कि एक दिन में एक टर्म में अगर होगा तो जो है मतलब डेवलपमेंट जो है थोड़े दिन के लिए रुकेगी फिर उसके जो है वापस हो जाएगी। अभी कैसा होता है कि थोड़े दिन के लिए रुकी दूसरे स्टेट की वापस रुक गई, तो ऐसा नहीं होगा, हर स्टेट की एक ही दिन रुकेगी जिस वजह से जो है डेवलपमेंट भी होगा। फिर इसका जो है मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है कि इसके बाद जो है जो पैसा वेस्ट होता है कि 60,000 करोड़ लोकसभा जो है दोस्तों पैसे देती है मतलब 2019 के इलेक्शंस में दोस्तों, और 2019 से 2023 अभी तक, तो दोस्तों जो है जब तक ये सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ द 5 साल के अंदर वो कितना है 4 साल के अंदर वो है मतलब कि 60,000 करोड़। तो इस वजह से जो है ये ऐसा बोला जा रहा है नीति आयोग के द्वारा कि अगर हमने जो है वन नेशन वन इलेक्शन करा तो जो है हमारे 2,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो है हो जाएंगे। और उसके जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो भी इलेक्शंस के टाइम जो सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री को बुलाया जाता है तो हमेशा जो है अलग अलग स्टेट की मिलिट्री के लिए जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो है इस वजह से अगर उस दिन कोई प्रोटेस्ट हो गया तो उसको हैंडल जो है बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एक दिन करा तो दोस्तों जो है मतलब छोड़ा जो है मिलिट्री को भी जो खुलापन मिलेगा, और दोस्तों जो है मतलब जब इलेक्शन होता है अलग अलग दिन में वो नहीं होगा। तो अभी जल्दी जानते हैं कि मतलब क्या क्यों है अपोजिशन पार्टीज बिल के अगेंस्ट। तो पहली तो चीज़ आती है कि वो है कि मतलब ऐसा बोला जा रहा है नीति आयोग या फिर अलग अलग कंपनीज के द्वारा कि जो भी टॉप पार्टी है इंडिया की वो बीजेपी है, तो दोस्तों जो है उसमें क्या है जो टॉप जो है रहेगी उसमें वन इलेक्शन और वन नेशन हो गया वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो जो टॉप वाली पार्टी वही सबसे ज़्यादा जो है पूरे इंडिया पूरे देश पे और सारे ज़्यादातर मेजोरिटी स्टेट्स पे जो है हैंडल करी, तो इस वजह से जो उनको लग रहा है। और दोस्तों उनको ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब एक साइड तो है यूपी की गवर्नमेंट अलग अलग बीजेपी फेवरेट गवर्नमेंट वो बोल रही है रिवॉल्यूशन नहीं होगा, और दूसरी जो अलग जो इंडिया मेंबर्स है जो कि है इंडिया मेंबर्स तो जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं इनकी चाल है जिस वजह से 2024 इलेक्शन जो जीत जाए मोदी जी जीत जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।